कार्यकर्ता सब विषम परिस्थिति में एक जैसे रहता है। पार्टी दायित्व देगी तो काम करेंगे। और हमारे यहाँ पे निषाद राज है, बाबू राम जी आप भी आइए भाई। ये तीनों कार्यकर्ता देखो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के, बाबू राम जी को कोई दायित्व तो मिला हो ना मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 25 सालों से देख रहा है इस व्यक्ति को, 25 साल से एक जैसी स्थिति में पार्टी ने दायित्व दिया हो तो भी भाजपा, नहीं दिया है तो भी भाजपा, और आज भी मंच पर है। युवराज सिंह ने वही जिम्मेदारी निभाई है। और भाइयों बहनों, मनोज प्रजापति एक योग्य और शिष्ट कार्यकर्ता, शुरू से कार्य किया है और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरी आप सबसे अपील होगी, जो विकास करा सके, जो सुरक्षा दे सके, जो सम्मान दे सके, वही सरकार बननी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आपके पास आई है कहने के लिए। देखिए मुझे, मैंने जो कहा मैंने वो करके 5 सालों में दिखाया है। लोग कहते थे राम मंदिर बनेगा, प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का शिलान्यास करके आप भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को भी आगे बढ़ा दिया है ना, अब कोई संदेह है? हम चित्रकूट का भी विकास करा रहे हैं और साथ साथ बुंदेलखंड के एक एक जनपद में विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रहे हैं। भाइयों बहनों, यहाँ किसानों का भी सम्मान होगा, नौजवानों का भी सम्मान होगा, बेटियों का भी सुरक्षा मिलेगी और साथ साथ महिलाओं का भी सम्मान करते हुए बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यही आह्वान करते हुए एक बार मैं आपसे अपील करूंगा कि 20 फरवरी को पहला काम मतदान, और फिर पहला मतदान। सभी लोग सहमत हैं? भाजपा को चुनाव जिता करके भेजेंगे? मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आओ या, आओ।